वेलकम क्लास सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर टू का पार्ट वन। आज हम उसी चैप्टर वन टू का पार्ट टू पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, न्याय एवं कानून व्यवस्था। ऑल द गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड लॉज विच द रूलर्स एंड द रूल्ड मस्ट ऑब्जर्व। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ डिस्पेंडिंग जस्टिस बाय एस्टेब्लिशिंग कोर्ट्स इन इंडिया। द कोर्ट्स pronounced punishment for violating the laws. Initially, the English did not touch the prevailing laws in India and allowed the old laws based on religious book, customs law related to succession and marriage to run simultaneously. The Indian rule was applied when British and Indian law clashed. अब क्या हुआ कि किसी देश की शासन व्यवस्था में कानून और नियमों का होना आवश्यक है, जिसका अनुपालन सरकार और सभी को किया जाना जरूरी है। ब्रिटिश शासन काल में सरकार द्वारा न्यायालयों में जब स्थापना की गई तो न्यायालयों द्वारा कानूनों के उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाती थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत पर छेड़छाड़ कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन बाद में विवाह उत्तराधिकार संबंधी कानून, रीति रिवाज और साथ ही साथ धर्म ग्रंथों पर उन्होंने कानूनों को यथावत चलने दिया। किंतु अंग्रेज जो थे उन्होंने विवाद होने का उसका निराकरण ब्रिटिश के पास, अंग्रेजी कानून के पास सौंप दिया। द रिफॉर्म्स मेड इन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस वेयर कलेक्टेड टुगेदर एंड बिकम नोन एज कॉर्नवालिस कोड इन 1793। दिस वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटाइज्ड फोर्सेज। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था का सुधार किया जिसने उन्हें एकत्र कर सन 1793 में उसके सिद्धांत बनाए और उसी सिद्धांतों पर वह पूरी तरह आधारित था। द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 बाउंड द कोर्ट्स टू टेक डिसीजंस ऑफ द इंडियन पर्सनल एंड ओनरशिप राइट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस कन्फाइंड इन इट। द रेगुलेशन एकोमोडेटेड द पर्सनल एंड इनहेरिटेंस लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड रोट देम इन क्लियर टर्म्स। दस द जस्टिस बेस्ड ऑन रिटन लॉज कम इन टू फोर्स इन इंडिया। सिमिलर रेगुलेशंस वेयर अडोप्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब क्या हुआ कि 1793 में जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया उसके न्यायालय में भारतीयों के निजी एवं मालिकाना राइट्स पर अधिकारों पर फैसले होने लगे। इस एक्ट में जो थे हिंदू और मुस्लिम निजी कानूनों को शामिल किया गया, साथ ही उनके लिखित कानूनों को भी आरंभ कर ब्रिटिश शासन ने अन्य प्रदेशों में भी कानून की व्यवस्था की। नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रोल ओवर कंपनी, कि कंपनी के शासन पर नियंत्रण। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ बाय। अब जो ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर एक कॉन्सेप्ट लागू किया जिससे विधि का शासन प्रारंभ हुआ। Making new laws frequently, this meant that in the eyes of law, all men were equal, but the same law did not apply to Britishers and the Indians equally. The British rule was establishing deeper root in India. The 1784 Repeat India Act brought dual rule in British India. The British Empire and the company both governed by the administrative works. In 1793, by special charter, the tenure of company's trade affairs was extended for 20 years more. In 1830, the company lost its monopoly of trade in India, which was now open to all the British people. The British government wanted to increase its hold on India, and to achieve it, the powers of the company over India were to curtailed. Therefore, Indian civil service system was centralized. Indian had very less role in the new system of rule. The key and high post were not meant for the Indian. अब जो दृष्टि से देखा जाए तो इनके कानून जो थे समान थे, लेकिन अंग्रेज और भारतीयों ने के कानून एक जैसे लागू नहीं होते थे। भारत में अंग्रेजों के शासन की जो जड़ें थी वो मजबूत होती जा रही थी। वो सन 1784 तक जो पीट इंडिया एक्ट लाया गया उस द्वैत शासन में स्थापित करने पर शासकीय कार्यों और कंपनी के कार्यों के लिए ब्रिटिश सम्राट चलाता था। सन 1793 में कंपनी का व्यापार का जो विशेष अधिकार जो है 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, और सन 1813 में कंपनी का व्यापारिक विशेष अधिकार वापस समाप्त भी कर दिया गया। अब अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता था। अंग्रेजी भारत सरकार पर जो अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी, साथ ही साथ कंपनी का शासन
पूरी तरह से अपने रूप से ही करना चाहती थी, इसलिए कंपनी ने जो केंद्रीकरण किया, सेंट्रलाइज जो केंद्रीकरण किया, उसमें शासन द्वारा एक नवीन व्यवस्था को लागू किया गया जिसमें ऊंचे और महत्व वाले पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। वहाँ पर जितने भी पद पर नियुक्त किए जाते थे वो सारे ब्रिटिशर्स होते थे। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। जो नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, इंग्लिश एडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस इन द फील्ड्स ऑफ लैंड, रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। दिस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश डैमेज्ड द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इन इंडिया। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी डील्ड ग्रेट डैमेज टू इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। द इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली लाइव इन विलेजेस एंड द पीपल सर्वाइव्ड ऑन देयर ओन लाइवलीहुड। द विलेजेस लार्जली रिलाइड ऑन फार्मिंग। द पीजेंट्स पेड ए फिक्स्ड पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टू जमींदार और द रूलर ब्रिटिश कलेक्टर एज रेवेन्यू। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाई स्टेट यूजली थ्रू द विलेज हेड पटेल। द विलेजर इंजॉयज सर्टेन राइट ओवर द लैंड एंड कुड नॉट बी एविक्टेड। वेन द ब्रिटिश एस्टेब्लिश दे रूल दे अलॉट द होल सिस्टम टू बी कंटिन्यूड अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर ओन ऑफिशियल्स एंड देयर इंडियन एजेंट्स। द पीजेंट्स वेर हैरेस्ड बाई द ऑफिशियल ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन। अब क्या हुआ कि जब भारत में कंपनी की स्थापना हुई तो समय समय पर नई आर्थिक नीतियाँ किसके द्वारा लाई गई, ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन नीतियों के कारण व्यापार में वाणिज्य उद्योग धंधे और साथ ही साथ भू राजा की प्रणाली तथा कृषि की व्यवस्था में बदलाव आए। अंग्रेजों ने सारे अपने हितों की नीतियाँ अपनाई। उन्होंने भारतवासियों की अर्थव्यवस्था का परंतर ढांचा जो था पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। भारतीय कृषि उद्योग साथ ही साथ व्यापार में ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। जब भारत में अधिकांश जनसंख्या जो थी वो गांव में रहती थी और वह अपनी जीविकाओं पर निर्भर रहती थी, जिसके कारण ग्रामीण लोगों को अपनी खेती का काम करना रहता था, लेकिन किसान अपनी फसल का एक निश्चित भाग लगान के रूप में अपने स्वामी के माध्यम से ब्रिटिश कलेक्टर को देते थे। राज्य सरकार जो है उसको सामान्यतः गांव के पटेल के प्रधान के माध्यम से किया जाने लगा। अब ग्रामीणों के पास जो निश्चित अधिकार थे, धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनकी भूमि में बेदखल कर दिया जाता था। बाद में भारत की जो कंपनी की शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों से भारत का पर लगान वसूल करना कर्ताओं के माध्यम से पूरी व्यवस्था को जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो किसानों से कर वसूलते थे, लगान वसूलते थे, तो जो उसके लिए आवाज़ उठाता था उसके साथ उसको प्रताड़ित भी किया जाता था और उसको दंड भी दिया जाता था। नेक्स्ट हेडिंग इन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, भू राजस्व व्यवस्था। इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवेलिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार टू इंक्रीज द इनकम ऑफ कंपनी। अंडर दिस सिस्टम द जमींदार्स वर मेड लैंड ओनर्स, देयर राइट टू ओनरशिप वॉज मेड हेरिडेटरी। रॉटरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई एंड चेन्नई। दोज हु प्लाउड द फील्ड वेयर लैंड ओनर्स एंड द डायरेक्टली पेड टैक्स टू द कंपनी। द पीजेंट्स लॉस्ट द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप, फेलिंग टू पे द रेवेन्यू। द सिस्टम वॉज अ ब्लो एज प्रोडक्शन स्लम्ड एंड प्लीजेंट्स वेयर ऑपरेस्ड, बट स्टेट कॉफर सेलेंट विथ रेवेन्यू। अब इन 1793 में क्या हुआ कि कॉर्नवेलिस ने अपनी आय बढ़ाई तथा उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी स्थायी बंदोबस्त लागू किए, जिससे जो जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया और उसके बाद भूमि का उनका वंशानुगत अधिकार होने लगा। चेन्नई और मुंबई में जो रैयतवाड़ी सिस्टम लागू गया उसमें भूमि पर जोतने वाले भूस्वामी माना गया, मतलब जो भूमि पर निरंतर काम कर रहा है वह उसका स्वामी हो जाएगा। इससे कंपनी धीरे सीधे कर लेती, लगान ना देने पर किसानों से भूमि का अधिकार समाप्त कर दिया जाता। इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन बहुत घट गया, साथ ही साथ जो किसानों पर अत्याचार बढ़ रहे थे लेकिन उनके जो राजस्व में वृद्धि हो रही थी, किनके कारण? सरकार के जो राजस्व में वृद्धि हो रही थी लेकिन किसानों पर अत्याचार फिर भी निरंतर हो रहे थे। इन अवध प्रोविजन महालवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। दिस वॉज द एडवांस फ्रॉम ऑफ जमींदारी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम टैक्स वॉज फिक्स फॉर एवरी महाल विलेज। अब क्या हुआ, अवध क्षेत्र में एक महालवारी व्यवस्था को लागू किया गया जिसमें हर
किसान को एक निश्चित रूप से अपना लगान देना रहता और हर गांव से उतना लगान तो वसूला जाएगा, ये निश्चय किया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इनक्यूर लॉसेस ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एट द जमींदार ऑप्रेस्ड पीजेंट्स एंड बेनिफिटेड देमसेल्व्स एंड द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली आई उसने अंग्रेजी सरकार को भी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि जमींदार किसान से अपना मनमाना लगान वसूलते थे किंतु एक निश्चित मात्रा में ही ब्रिटिश शासन को लगान राशि दे देते थे। अब जमींदार प्रणाली शुरू होने से ब्रिटिशरों का भी नुकसान होने लगा था, क्योंकि कुछ पैसा अब जमींदार अपने तक भी रखना लगे थे। अंडर द रायटरी सिस्टम द रायट और द कल्टीवेटर वॉज द ओनर ऑफ लैंड एंड ही हैड टू सेटल द टर्म्स ऑफ रिवेन्यू। अब जो रायतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया उसमें जो प्रत्येक कृषक जो जमीन जोत रहा था उसको उसका जमीन का भूस्वामी मानकर उसके साथ एक शर्तें तय की जाती थी। अंडर द महालवाड़ी सिस्टम द पीजेंट हैड नो राइट ओवर द लैंड। अब जो महालवाड़ी सिस्टम लागू की गई व्यवस्था लागू की गई उसमें किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं रहता था। एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू पॉलिसी लैंड become a commodity which could be freely bought and sold. Easy ownership of land attracted people towards the land. The cottage industries were on the brink of doom and peasants were groaning under the burden of debts. Natural calamities like flood and famine made the lives of peasants more pitiful. The easy transfer of land and its division completely shook the Indian villages. अब क्या हुआ कि अंग्रेजी ने जो भू राजस्व नीति लागू की गई उसका परिणाम यह हुआ कि जब जमीन थी स्थायी रूप से एक व्यक्ति की ना होकर दूसरे हाथों में चली जाती थी और दूसरे हाथों को बेच दी जाती थी। जमीन पर स्वामी प्राप्त करते ही वह लोगों का आकर्षण जमीन की ओर बढ़ने लगता। कुटीर उद्योग विनाश जो अपने जो कुटीर उद्योग थे कॉटेज इंडस्ट्री वो विनाश के स्तर पर जा चुकी थी। किसानों पर जो कर्ज है उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा था और सूखे और बाढ़ जैसी जो सूखा फ्लड एंड फेमाइन सूखे और बाढ़ जैसी स्थिति में जो था आपका जो प्राकृतिक है उससे तो किसान की दशा बिगड़ी हुई थी, साथ ही साथ भारी कर के कारण भी वो किसान कर्ज में आता जा रहा था। इजी ट्रांसफर ऑफ लैंड तो उसके लिए जो हस्तांतरण जमीन को हस्तांतरण कर विखंडित कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि जो लगान लगा कर बंटवारा करके उनको बांट दिया गया कि इतना इतना एरिया में अब आपको अपना कृषि कार्य करना रहेगा। द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज सो disastrous that it doomed and the cottage industries artisans and handicraft industry initially artisans and craftsmen used to sell their goods in foreign countries and earn a profit. The demand in British markets was enormous and it was affecting British industries badly. They posed acute problem of survival and ultimately British banned the trade and use of Indian cloth. अब क्या हुआ कि जो सरकारी नीतियों का घातक परिणाम यह निकला कि जो कुटीर उद्योग थे दस्तकार थे और जो शिल्पकार थे पतन के गर्त में चले गए, क्योंकि उनके साथ प्रारंभिक कोर्ट पर जो तैयार किया गया था उनको इतने माल को बेचकर जो था वो विदेशों में बेचकर उसका लाभ कमाने लगे। इनकी मांग जो है ब्रिटिश बाजारों में बढ़ती जा रही थी लेकिन जो हमारा भारत था वहाँ पर इनकी मांग घटती जा रही थी, जिसका असर अंग्रेजी उद्योगों पर पड़ने लगा। उसके समग्र अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों के उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या हुआ कि जब ये कशीदाकारी और ये सारे जो आर्टिस्ट थे उनका काम जब चल निकला तो वहाँ के कपड़े कम बिकना हो गए, तो फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस तरह के कामों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बाय द टाइम चार्टर एक्ट वॉज पास इन 1813 इंग्लैंड हैड ए मैसिव फॉरेन इन कॉलोनियल मार्केट हुज बेनिफिट्स कुड बी अर्न्ड बाय सेलिंग इंग्लिश गुड्स इन दिस मार्केट। सन 1813 में चार्टर एक्ट पास कर इंग्लैंड में कुशल विदेशी औपचारिक मार्केट बनाया गया जिसमें बड़े स्तर पर सारी वस्तुओं को सेलिंग की गई। जो सारी जो प्रोडक्ट थे वो कहाँ के थे, अंग्रेजी बाजार से बने हुए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट ट्रेडिंग राइट्स व्हेन चार्टर्ड एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस एंड फ्री ट्रेड पॉलिसी वॉज फॉलोड। कॉन्सिक्वेंटली ब्रिटिश गुड्स ऑन नॉमिनल टोल टैक्स इंटर्ड इंडियन मार्केट्स। दिस गुड्स इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट्स मेड बाय इंडियन आर्टिसन वेयर क्वाइट चिप। दिस ऑलमोस्ट रिड्यूस द ट्रेड ऑफ इंडियन ट्रेडर्स टू नॉन इनिटी
entity, cotton textile were very important. This were produced in various parts of India. The major production centers were Dhaka, Agra, Krishnanagar, Varanasi, Lucknow, Multan, Burhanpur, Lahore, Surat, Bharuch, Ahmedabad and Madurai, etc. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो कंपनी के जो हानि हो रही थी वह अधिकार दिए गए मुक्त व्यापार की एक नीति अपनाई गई जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सामान का नाम मात्र प्रयोग होने लगा, सीमा शुल्क भी भारत आने लगा। भारत में यह देशी दस्तकारों द्वारा तैयार किए गए सामान से सस्ता पड़ता था, इसलिए भारतीय बाजारों की मांग वस्तुओं की मांग विश्व में बढ़ने लगी थी। लेकिन जो मांग घटी और देशी उद्योग का बाजार जो है धीरे धीरे मंद पड़ता जा रहा था। विशिष्ट वस्तुओं में जो था सूती कपड़ा, जो कॉटन की टेक्सटाइल थी, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उनका उत्पादन जो है उस समय देश के विभिन्न इलाकों में शुरू हुआ, जिनमें आपने नाम पढ़ी हैं ढाका, आगरा, कृष्णानगर एक्सेट्रा। A law was passed between 1700 to 1702 in England to ban the import of Indian clothes, which hit the Indian textile industry badly. अब क्या हुआ कि एक नियम पारित किया गया जिसमें 1700 से 1702 के बीच इंग्लैंड में पूरी तरह से भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसका प्रभाव जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर बुरा प्रभाव पड़ा था। द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री रियून द मार्केट ऑफ इंडियन क्लोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंपनी प्रॉफिट। इट फोर्स्ड द प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन क्लोज एंड अदर कॉमोडिटीज टू सेल देयर गुड्स फॉर 20-40% लेस देन द प्राइस इन द ओपन मार्केट्स। अब जो था उन्होंने क्या करा कि इंग्लैंड ने अपना कपड़ा उद्योग भारत में लाया और इसकी स्थिति खराब कर दी। कंपनी का लाभ बढ़ाने के लिए एजेंटों को कपड़ा तथा वस्तुओं को भारतीय उत्पादों को विवश किया कि उनके बाजार दर से 20-40% पर वो मांग कम कर दे। और साथ ही साथ द इंग्लिश क्लोज प्रोड्यूस बाय मशीन हिट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेडली। अब क्या हुआ, एक और कारण ये था कि जो विदेशी कपड़ा था, जो अंग्रेजी मार्केट का कपड़ा था, वो मशीन से तैयार किया था, जिसके कारण जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो उस पर भी भारत पर बुरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हेडिंग है रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द ब्रिटिश रूल रियलाइज द चीप एंड इजी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज नेसेसरी। दे डेवलप रोड एंड रेल रूट्स टू मेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्मूथ। दे आल्सो डेवलप्ड पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम। विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड डलोजी टुक अप द रिपेयरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। मेजर ट्रेड सेंटर्स, सिटीज, पोर्ट्स एंड मार्केट्स वर लिंक्ड बाय रोड। बोट्स बिगेन टू फेरी फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर। लॉर्ड डलहौजी गॉट द मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैम्प वर इश्यूड इन इंडिया। इट वॉज हिज एफर्ट्स दैट फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वाज सेट अप। दिस सिस्टम हेल्प्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रेटली बाय द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्प्ड ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम। द ब्रिटिश रॉ मटेरियल्स इजिली ट्रांसपोर्टेड इट एंड इट्स आर्म्स आर्मी फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर इन वेरी शॉर्ट टाइम। द रेल ट्रांसपोर्ट वॉज अ लैंडमार्क इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। अब क्या हुआ कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रेल एवं सड़क मार्गों का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ डाक और तार की भी सुविधा भारत में लागू की गई और उसके साथ जो डलहौजी और विलियम बेंटिक इसकी मरम्मत का कार्य भी कराया गया। भारत के प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र थे उसको सड़कों व बंदरगाहों से जोड़े गए। नदियों के माध्यम से यातायात के व्यापार को बढ़ाने का काम भी शुरू किया गया और उसके बढ़ाने के लिए कई नावें भी चलाई गई। डलहौजी के जो आधुनिक पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था शुरू की थी, उसने पहली बार एक डाक टिकट जारी किया। जो पहली टेलीग्राफ लाइन थी वो कहाँ से इशू की गई थी, कलकत्ता से आगरा में। परिवहन और संचार के साधनों में भी ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार ब्रिटिश उद्योगों के कच्चे माल को प्राप्त करने लगा। साथ ही वह अपने सैनिकों की सामग्री को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजने लगा। रेल ट्रांसपोर्ट जो है परिवहन की व्यवस्था में एक आश्चर्यजनक और एक क्रांतिकारी परिणाम निकले। भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई वो 1853 में चलाई गई, जो कहाँ से चलाई गई थी, बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट हेडिंग है इंडियन सोसाइटी इन 18th and 19th century। जो भारतीय समाज था वह 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में कैसा था। मेनी डिग्रेडिंग एंड इनह्यूमन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वेर प्रिवेंट द इंडियन सोसाइटी ओवर द ईयर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। द ब्रिटिश रूल्स रिमेन द डिफरेंट टू दिस एविल्स इन इंडिया। हाउ एवर सम ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्मर्स टू कप मेजर्स टू
eradicate the inhuman and traditional evils of the society. The female infanticide, the practice of killing infant girls, was prevalent in some sections of society. In some parts of the country, the government passed several regulations to stop this evil. The plight of women in India was the Pardha system, child marriage, sati system, illiteracy among women were major features of Indian society, which made the conditions of women more pitiful. In 1929, the British government in India banned the barbarous sati system. Raja Ram Mohan Roy was Ishwarchand Vidyasagar, Swami Dayanand Saraswati, Ramakrishna Paramahansa and Vivekanand. Efforts to eradicate these social evils were laudable. Another evil was the levy system, which was also growing in the society. The poor people were forced to sell their children. A law was passed in 1843 which made slavery illegal in India. तो हमने देखा इसमें कि 18वीं से जो 19वीं शताब्दी थी उसमें भारत की अज्ञानता के कारण इसमें कई पूरे प्रभाव पड़ने लगे. जो घर में रूढ़ियाँ थी, बुराइयाँ थी, उन्होंने हर घर में एक घर कर लिया था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत ने प्रारंभिक तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन फिर कुछ सुधारवादी प्रशासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित जो अमानवीय जो बातें चली आ रही थी उनको दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए. उनमें जो बुराइयाँ थी उनमें सबसे पहले ही जो कन्या को जन्म लेते ही मारने की एक परंपरा थी. साथ ही कुरीतियों पर रोक लगाई गई. साथ में जब छोटे बच्चों की जो बच्चे होते हैं उनकी शादियों पर रोक लगाई गई. फिर जो सती प्रथा थी उसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई. और अशिक्षा आदि के कारण जो स्थिति बिगड़ चुकी थी नारियों की, उसके लिए भी अंग्रेजों ने एक प्रयास करा. पर्दा प्रथा और बाल प्रथा और जो विवाह था, बच्चों का विवाह किया जाता था, उनकी स्थितियों में भी सन 1829 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत कौन कौन थे कुप्रथाओं के विरुद्ध जो सबसे पहले काम किया था उन्होंने किया था राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद. एफर्ट्स टू एरिगेट सोशल एविल्स लाउडेबल. फिर जब उसके बाद समाज में दहास प्रथा के रूप में जो अन्य कुरीति लोगों के पास आ गई थी उन पे भी बच्चों को बेचने पर विवश थे. उस समय क्या हुआ था कि बच्चों को बेच दिया जाता था तो एक नियम लागू किया गया जिसके कारण जो दास प्रथा थी पूर्ण रूप से भारत में क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई. नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, के भारत में किस तरह शिक्षा व्यवस्था की गई. बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया देयर वेयर पाठशालास, मकतबा एंड हायर एजुकेशन. देयर वेयर टोल्स, गुरु आश्रम्स एंड मदरसा. इन द प्राइमरी स्टेज द स्टूडेंट्स वेयर एजुकेटेड अबाउट रिलीजियस बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड मैथमेटिक्स. इन हायर एजुकेशन ग्रामर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, रिलीजियस टीचिंग, डिबेट, लॉज, मेडिसिन एंड एस्ट्रोलॉजी वेयर टॉट. दिस टाइप ऑफ एजुकेशन वॉज प्रिविलेंट ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल. अब क्या हुआ कि जो पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो जो पाठशाला थी, मदरसा थी, उसमें ही बनाकर दी जाए, लेकिन आगे की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, सारे विषयों को पढ़ने के लिए, भारतीय भाषाओं को जानने के लिए भी कई रूल्स एस्टेब्लिश किए गए और स्कूल बनाए गए जिसमें मदरसा और आश्रम्स बनाकर बच्चों को इन शिक्षाओं, इन विषयों पर ज्ञान दिया गया. द ब्रिटिश स्टार्टेड मॉडर्न एजुकेशन एट देयर ओल्ड लेवल ऑन लेवल. सम इंडियंस आल्सो हेल्प देम इन दिस एफर्ट. द क्रिश्चियन मिशनरी आल्सो मेड एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन बट दे लेड ग्रेटर स्ट्रेस ऑन कन्वर्टिंग इंडियंस इंटू क्रिश्चियंस एंड ऑन क्रिश्चियनिटी. अ मदरसा वॉज एस्टेब्लिश एट कलकत्ता इन 1781. अरेबिक एंड पर्शियन वॉज टॉट इन 1784. सन विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. एफर्ट्स वर मेड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू ऑफ द सोसाइटी. अ संस्कृत कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1791 एट वाराणसी टू स्टडी हिंदू लॉज. द कंपनी ऑल्सो मेड एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लेटर. अब जो भारतीय जो ब्रिटिश शासन था उसने एक एजुकेशन के बढ़ाने के लिए ऊपर अपने स्तर पर काम किया जिसमें उन्होंने सब कुछ भारतीयों की मदद की और उनके प्रयासों से क्रिश्चियन मोनेस्ट्री पर जो है डायरेक्शन के अनुसार जो उसकी थी उसको बदल कर क्रिश्चियनिटी को अपनाने की बात की गई. जो मदरसा था वह इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पर, 1781 में कहाँ पर, अरेबिक एंड पर्शियन वहाँ पर सिखाई जाने लगी. इन 1784 में विलियम जोन्स ने फाउंडेड की थी सोसाइटी और वहाँ पर उनको हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताया गया. संस्कृत कॉलेज भी बनाया गया 1791 में वाराणसी में जहाँ पर उनको हिंदू ला मतलब हिंदुओं के जितने भी नियम है वो पढ़ाए गए. द कंपनी ऑल्सो मेड एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लेटर. और इस तरह की जो कंपनी बनाई गई जिसमें पूरे और अधिक से अधिक प्रयास किए गए एजुकेशन की फील्ड को बढ़ाने के लिए.
In 1835, the government decided to impart European literature and scientific education to the Indians. Under this scheme, English became the medium of instruction in some schools. Started by the government, slowly education spread in India. Universities were established at Calcutta, Bombay, and Madras. It resulted Western education and new classes. The middle class came up. Many English educated Indian got jobs in company. There arose a difference between the English educated Indians and the rest of the Indians come into contact with science and technology, freedom movements, equality, democracy, nationalism, important revolution in modern philosophies. Through modern English education, they got an opportunity to know about the important events of the world, new inventions and welfare activities happening in other parts of the world through the medium of press and communication. अब जो सन 1835 में सरकार द्वारा एक नीति लाई गई जिसमें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया, साथ ही साथ स्कूलों में अंग्रेजी भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार भारत में भी बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जाने लगी। पश्चिमी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस कारण जो कंपनी थी वहाँ पर भी लोगों को जॉब के अवसर मिलने लगे, साथ ही साथ वहाँ पर भारतीयों को भी लिया जाने लगा। और उसके बाद जो अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त कर भारतीय अपने जो जाते थे तो उससे हमारे बीच की दूरियां बढ़ती थी, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता था। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की तो इससे हमारी दूरी भी कम होती जा रही थी। साथ ही साथ संपर्क में आने से जो भारतीय थे उनकी शिक्षा में भी विकास हो रहा था, ज्ञान विज्ञान में विकास हो रहा था। साथ ही साथ स्वतंत्रता और समानता की भावना भी लागू हुई। साथ ही साथ राष्ट्रीयता में परिवर्तन हुआ और उन आधुनिक विचारों के संपर्क में आने के कारण जो परिवर्तन आए उनसे हमारे जो विश्व में जो घटनाक्रम हो रहे थे उनके आविष्कारों की और उनके जन विकास की योजनाओं के परिचित होने के भी हमको अवसर मिले। सो आपका ये पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू क्लास।